नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 का एकम नंबर 15 दाज्यू, जो एक सुंदर कहानी है, इसके बारे में देखते हैं। लेखक हैं शेखर जोशी। इस कहानी के बारे में देखें तो दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर आधारित है, मतलब के बाल श्रमिक पर लिखी गई है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए एक शहर में जाता है। शहर में आकर वह एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू, क्या दाज्यू, इसका अर्थ बताया जाता है बड़ा भाई, समझने लगता है। वही जिस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस दाज्यू कहानी में लेखक ने बताया है। जिसे हम अपना समझने लगते हैं वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, यही दाज्यू कहानी का केंद्रवर्ती भाव है, मतलब केंद्र बिंदु है इस कहानी का। तो आइए देखते हैं हम दाज्यू कहानी। आप सब लोग अब अपनी किताब खुली रखें ताकि अच्छी तरह से आप समझ सको। देखते हैं आगे। चौक से निकलकर बाई और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा। जगदीश बाबू एक व्यक्ति हैं, वह अपने चौक, मतलब जहाँ चार रास्ता होता है या खुला मैदान जैसा होता है वही भाग। तो जगदीश बाबू एक शहर में आए हैं, वहीं वे बाहर निकले टहलने के लिए। और जब वे चौक से बाहर निकले तो बाई ओर, बाई मतलब डाबी बाजू, बाई ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला कैफा है वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। साइन बोर्ड वाला मतलब कोई नाम लिखा हुआ, कैफे मतलब होटल, हमारे अंग्रेजी शब्द है होटल, जहाँ हमें सभी प्रकार के खाने पीने की सुविधा मिलती है वही कैफे। और एक कैफे के बाहर एक बोर्ड लिखा होता है, कैफे का नाम लिखा है, इसमें क्या क्या सुविधा होती है ये सब लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं साइन बोर्ड। तो एक कैफे के अंदर जगदीश बाबू ने वह लड़के को सबसे पहली बार देखा। गोरा चट्टा रंग, वह लड़का कैसा लगता है, वह गोरे रंग का है। नीली सफाफ आंखें, सफाफ शब्द है एक, सफाफ सफाफ मतलब निर्मल। उसकी आंखें नीले रंग की हैं, सफाफ है मतलब निर्दोष निर्मल है। सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। नीले रंग की निर्मल आंखें, उसके बाल थोड़े सुनहरे रंग के हैं और उसकी चाल स्फूर्तीली है, तेज चाल है, इसके अंदर शिथिलता नहीं है। शिथिलता मतलब आलस्य। कई लड़के चलते हैं
तो इसके चाल के अंदर हमें सुस्ती नहीं दिखती, आलस्य दिखाई देता है। तो उसी प्रकार उसकी चाल में कोई आलस्य नहीं था, उसकी चाल स्फूर्तिली थी। कमल के पत्ते पर फिसली हुई पानी की बूंद की स्फूर्ति, उसकी चाल स्फूर्तिली थी। लेकिन वह चाल कैसी है कि जैसे कमल के पान पर जब पानी की बूंद गिरती है तो बूंद गिरते ही वह पर्ण पर से पानी फिसल जाता है फौरन, तो इसी प्रकार उसकी चाल तेज थी, स्फूर्तिली थी। आंखें की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था, और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। उसकी आंखें चंचल थी, उसकी आंखें, उसके बाल, उसकी चाल, उसका रंग, यह सब देखकर अनुमान मतलब अंदाज, यह सब देखकर हम इसका अंदाज लगा सकते हैं कि यह लड़का केवल 9 या 10 वर्ष का ही होगा। और अंदाजा भी सही था, लड़के की उम्र भी उतनी ही रही थी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर प्लेट उठा रहा था। अब जगदीश बाबू सिगरेट पी रहे थे, सिगरेट पीते पीते जगदीश बाबू ने अपनी अदा से कैफे में प्रवेश किया। कैफे में जब जगदीश बाबू ने प्रवेश किया उसी समय यह जो लड़का था वह लड़का कैफे में जो लोग भोजन करके चले गए हैं, जिसकी जूठी प्लेट पड़ी है वह प्लेट यह लड़का उठा रहा था, मेज सफाई कर रहा था। और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने ही था, और जब जगदीश बाबू पास वाले टेबल पर बैठे तो वही टेबल पर से यह लड़का साफ साफ अपनी सीधी रेखा में दिख पड़ता था, मतलब यह लड़का जगदीश बाबू के सम्मुख था। मानो घंटों से उसकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। प्रतीक्षा मतलब इंतजार। प्रतीक्षा मतलब इंतजार, राह देखना। तो यह लड़का मानो कई समय से कैफे में नए आने वाले मेहमान या भोजन करने वाले लोगों का मानो कि वह इंतजार कर रहा था। वह कुछ बोला नहीं, यह लड़का कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था। यह लड़का बोला नहीं क्योंकि लड़का अभी तक जगदीश बाबू को पहचानता नहीं, जानता नहीं, इसलिए अपने कैफे में जो लोग भोजन करने के लिए, नाश्ता चाय पानी करने के लिए आते हैं उनके साथ विनम्रता से पेश आने के लिए यह लड़के ने थोड़ा सर झुकाया और अपने बदन पर, मुख पर थोड़ा मुस्कुराया। मुस्कुराना का भाववाचक होता है मुस्कुराहट। पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। देखिए एक शब्द आया मीनू, व्यंजन, व्यंजन मतलब अलग अलग प्रकार की भोजन की बनाया हुआ भोजन। होटल में जाते हैं तो जैसे हम टेबल पर बैठते हैं तो हमारे पास एक लिस्ट आ जाता है, ये लिस्ट के अंदर इस होटल में क्या क्या भोजन बनता है वह दाम सहित लिखा होता है, उसे बोलते हैं मीनू। फिर हमें जो आइटम मंगवाना है हम मंगवाते हैं। तो यह लड़का मुस्कुराया, थोड़ा झुका
यह सारा वर्ताव देखकर जगदीश बाबू को लगा कि इतने इसके वर्तन में ही मानो के ये होटल का सारा मेनू समाया हुआ है। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। जगदीश बाबू टेबल पर बैठे और बैठकर उसने सिंगल चाय मतलब एक चाय उसने मंगवाई। यह लड़का जगदीश बाबू का यह स्वर सुना मुस्कुराया और पलक झपटते ही वह वहीं से चाय लेने के लिए चल दिया और थोड़े ही क्षण में थोड़े ही समय में यह लड़का चाय लेकर जगदीश बाबू के पास हाजिर हो गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती हैं। मनुष्य के अंदर जो भावनाएं होती हैं वह भावनाएं तरह तरह की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर भावनाएं अब अपनी तरह की अलग होती हैं। निर्जन एकांत स्थान, निर्जन निवत्ताजन एटले नहीं, जन एटले मनुष्य, जहाँ कोई मनुष्य नहीं वैसा स्थान उसको बोलते हैं निर्जन। और एकांत इसका मतलब भी जहाँ किसी का साथ ना हो, कोई रहने वाला ना हो, हमें कोई दखल करने वाला ना हो, वैसा स्थान उसे बोलते हैं एकांत स्थान। में निसंग, निसंग मतलब किसी का साथ में न रहना, नि एटले नहीं, संग एटले साथ। जब कोई हमारे साथ नहीं रहता तब उसे निसंग बोला जाता। पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता, कई बार ऐसा एकांत स्थान हो, निर्जन स्थान हो, और ऐसे एकांत निर्जन स्थान पर भी हम गए हो जहाँ हमें कोई पहचानने वाला ना हो, सबके सब हमारे लिए अपरिचित हो, लेकिन फिर भी कभी कभी वैसे स्थान पर हमें एकाकीपन नहीं लगता, हमें अकेलापन लगता नहीं, लगता है यहाँ तो हम काफ़ी समय से रह रहे हो। इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट, एकाकीपन में भी आसपास का सारा वातावरण हमें अपने निकट समाया हुआ लगता है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत, विपरीत मतलब विरोध, कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जन रवयमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। और कई बार हम ऐसे स्थान पर जाते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे परिचित होते हैं, जाने पहचाने होते हैं, लेकिन ऐसे परिचित स्थान पर भी हमें परायापन लगता है। मनुष्य की भावना के कारण कई बार तो कई व्यक्ति अपने घर में लगते हैं, रहते हैं, लेकिन घर का वातावरण वैसा होता है कि उसे अपना घर भी पराया जैसा लगता। और कई लोग पराए घर में रहते हैं लेकिन सामने वाले लोगों का व्यवहार ऐसा होता है तो हम पराए घर में भी हमें अपनेपन महसूस होने लगता। जो कुछ है वह पराया, पराया का विरोधी होता है अपना। कितना अपन व हित पर यह अकारण ही नहीं होता, इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती हैं, विछो या विरक्त की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, मतलब जिस शहर में जिस कैफे में गए हैं वह शहर के रहने वाले जगदीश बाबू नहीं हैं, मतलब कोई दूर शहर के, दूर देश मतलब कोई विदेश से नहीं, लेकिन दूर के शहर के रहने वाले जगदीश बाबू हैं। इस शहर में वे नए नए आए, अकेले हैं, घर के परिवार के कोई सदस्य उसके साथ नहीं हैं। चौकी चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपन वहीन है। शायद एक कैफे के शोरगुल, चौकी चहल पहल, इस सारे वातावरण
में जगदीश बाबू को परायापन लगता है, क्योंकि इस स्थान पर न कोई पहचानने वाला है न किसी को वे जानते हैं, इसलिए अपन व हीन की भावना उसके मन में पैदा होती है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर इन्हें इस वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। अभ्यस्त, अभ्यस्त मतलब आदत। शायद लंबे समय तक या थोड़े दिन और ज्यादा रहने पर आसपास के लोगों से वह परिचित होंगे, वातावरण से परिचित होंगे, और फिर उसे आदत पड़ जाएगी, तब उसके दिल में अपनेपन की भावना जागृत होगी। पर आज तो लगता है यह अपना ही नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर। लेकिन आज उसने कैफे में वह लड़के को देखा, लड़के की विनम्रता देखी, तब शायद जगदीश बाबू को अपना अकेलापन मानो कि दूर होता हुआ या दूर जाता हुआ दिख पड़ा, और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल, और ये लड़के के साथ का बर्ताव देखकर उसे एकाएक अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। उसे अपने गांव, अपने खेत, अपने मित्र, अपने कॉलेज, मित्रों के साथ घूमे हैं वही समय, पड़ोस के लोग, आदमी, यह सब कुछ बारी बारी से जगदीश बाबू की आंखों के सामने जिस प्रकार फिल्म की या चित्रपट चलता है उसी प्रकार उसकी आंखों के सामने से एक एक यादें पसार होने लगी। चाय साहब, यह लड़का चाय लेकर आया था, उसने साहब से कहा कि साहब चाय। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी, राखदानी मतलब सिगरेट बुझाने का एक पात्र। होटल में ऐसा छोटा सा बर्तन होता है जिसके अंदर मिट्टी रखी होती है, क्योंकि होटल में तो सभी प्रकार के लोग आते हैं, तो ऐसे सिगरेट या बीड़ी पीने वाले लोग होते हैं, वह अपनी बीड़ी सही स्थान पर बुझा सके इसलिए टेबल पर ऐसी राखदानी भी रखी होती है। तो राखदानी में उसने सिगरेट झाड़ी मतलब बुझाई। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ ही जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही थी। रिक्तता मतलब खालीपन, रिक्त मतलब खाली। यह लड़के ने कहा नहीं कि साहब चाय, ये शब्द ने जगदीश बाबू के अंदर जो खालीपन की भावना थी वह मानो उसने भर दी, और उन्हें अपनी शंका का समाधान कर लिया। और अपनी शंका का समाधान करने के लिए जगदीश बाबू ने लड़के के साथ बातचीत शुरू की। क्या नाम है तुम्हारा, जगदीश बाबू ने प्रश्न किया कि क्या नाम है तुम्हारा। लड़के ने उत्तर दिया कि साहब मेरा नाम है मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो। दूसरा प्रश्न कहा कि नाम अच्छा है मदन, लेकिन मदन ये तो बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। पहाड़ का हूँ साहब, बाबूजी, बाबूजी सदगृहस्थ, और बाबूजी का स्त्रीलिंग होता है बबुआइन। के बाबूजी मैं तो पहाड़ का रहने वाला हूँ, पहाड़ तो सैकड़ों हैं। जगदीश बाबू ने सामने कहा कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं, देखिए आबू पहाड़ हैं, दार्जिलिंग हैं, मसूरी हैं, शिमला हैं, अल्मोड़ा हैं, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है। के अल्मोड़ा हैं, दार्जिलिंग हैं, ये आबू हैं, मसूरी हैं, शिमला हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है।
इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब अल्मोड़ा। और इस बार यह लड़के को पता चला कि पहाड़ मतलब पर्वत नहीं, लेकिन यहाँ पहाड़ का अर्थ है जिला। और तभी लड़के को पता चला कि साहब मुझे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा गांव किस जिला में पड़ता है। और लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्मोड़ा साहब अल्मोड़ा, कि साहब मेरा गांव अल्मोड़ा जिला में पड़ता। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? कि जिला तो सही तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा गांव का नाम क्या है? ये अल्मोड़ा के किस गांव के रहने वाले हो तुम? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा, जिज्ञासावश। या अधिक जानने के लिए जगदीश बाबू ने यह प्रश्न लड़के से पूछा था। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया कि तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है। तो एक गांव शब्द ने यह लड़के को संकोच में डाल दिया। शायद गांव का नाम ही ऐसा होगा कि जिसके कारण यह लड़का अपना गांव दूसरे को बताने में संकोच अनुभव करता, इसलिए लड़का संकोच में पड़ गया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील। अपने गांव का नाम ना देना पड़े, क्योंकि अपने गांव की संज्ञा ही ऐसी निराली है। चाहे शायद उसे बोलने में शर्म या संकोच होता होगा, इसलिए अपने गांव का नाम न बोलना पड़े, इसलिए उसने बताया कि साहब मेरा गांव तो बहुत दूर है, बहुत दूर दूर है, और मेरा गांव अल्मोड़ा से 15-20 मील उतना बड़ा दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन नाम तो कुछ होगा न। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, जगदीश बाबू ने पीछा छोड़ा नहीं। जगदीश बाबू ने सोचा कि आज तो उसके गांव का नाम सुनकर ही रहे, इसलिए जगदीश बाबू ने कहा कि भाई चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन गांव का नाम तो कुछ होगा न। डोट्या लगो व सकुचाता हुआ सा बोला कि मेरा गांव का नाम है डोट्या लगो। देखे, गांव की संज्ञा ऐसी निराली होने के कारण, शर्म संकोच के कारण वह अपने गांव का नाम नहीं बता रहा था, लेकिन अभी बताया कि मेरा गांव का नाम है डोट्या लगो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। अब जगदीश बाबू अपने अंदर एकाकीपन का अनुभव कर रहे थे। अब जैसे ही लड़के ने अपने गांव का नाम डोट्या लगो बताया, गांव का नाम सुनते ही जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। देखिए कारण क्या है। जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बुलाया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले। अब जगदीश बाबू ने प्यार से लड़के को अपने पास बुलाया और लड़के से बताया कि तुम्हारा गांव जो है वही गांव के निकट ही मेरा गांव है, मतलब तुम और हम पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं। तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। अब मदन भी इतना खुश हो गया, क्योंकि वह भी अपने गांव से बहुत दूर शहर में नौकरी करता था, और आज अपने गांव के निकटवर्ती व्यक्ति जब कोई मिला तो वह अत्यधिक खुश हो गया। वह इतना खुश हुआ कि मानो उसके हाथ में से यह ट्रे गिर जाएगी। शायद भी वैसा लगता है कि अगर हम बम्बई गए हो और बम्बई में हमारा कोई पालमपुर का रहने वाला मिल जाता है, चाहे हम उसको पहचानते ना हो, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारे शहर का। जैसे हम विदेश में गए हो, हम चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, लेकिन वही हमारे भारतीय कोई मिल जाए तो उसी समय हमें ऐसा लगता है
कि हम हमारे देश में हैं, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति मिल गया, उतनी खुशी हमें होती, चाहे हम उसको पहचानते ना हो फिर भी हमारे देश का तो है। तो इसी प्रकार यहाँ लड़के को लगा कि जगदीश बाबू मेरे पड़ोस वाले गांव के हैं, हमारी दिशा के हैं, यह सोचकर लड़का अत्यधिक खुश हो गया और खुशी के मारे उसके हाथ में से ट्रे गिर जाए वैसी हालत उसकी हो गई। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखकर देखने का प्रयत्न करने लगा और जगदीश बाबू के बताने पर लड़का अपने भूतकाल की ओर चला गया। लड़का का मन अपने गांव की ओर चला गया, अपने परिवार की ओर चला गया, अपने मित्रों की ओर चला गया, अपने दादा दादी माता पिता भाई बहन उसकी याद उसे आने लगी और देख लड़का अपने अतीत की ओर देखने का प्रयत्न कर रहा था। तो मित्रों ये पहला तास हम यहाँ समाप्त करते हैं, दूसरी बातें आगे की बातें हम दूसरे एकम में देखेंगे। थैंक यू।